और ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज मार्केट के पास पिछले दो दिन की जो तेज गिरावट थी उससे कुछ राहत है। आज सोमवार का दिन है तो राहत वाले दिन के साथ आप शुरुआत करें। फिलहाल एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट है, ये 10,131 पे कामकाज कर रहा है, लेकिन सपाट नहीं है ग्लोबल संकेत, सपाट नहीं है घरेलू खबरें। ये खबरें और ग्लोबल संकेत कुछ ऐसे हैं कुछ जो बाजार को कम से कम 100 पॉइंट का स्विंग देने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। एक बार जरा पहले एशियन मार्केट्स आप देख लीजिए, उसके बाद आज हम ग्लोबल मार्केट में यूएस की बात थोड़ी ज़्यादा करेंगे क्योंकि दो अहम खबरें वहां से आई हैं। पहले जरा निकाई जैपनीज मार्केट देखिए, करीब 0.5% ऊपर है। स्ट्रेट टाइम्स करीब 0.5% ऊपर है। एशिया बाजार को देख कर ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए जो पिछले दो दिन में हमने देखा। हालांकि उसकी बड़ी वजह ग्लोबल फैक्टर तो नहीं थे, भारतीय बाजारों में अपने करेक्शन अपना न्यूज फ्लो भी काफ़ी हद तक उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। अगर आप यूएस मार्केट्स के एक बार क्लोजिंग देखें, वहां पर भी आपको देखेंगे क्लोजिंग थोड़ी सी कमजोर आते हुए दिखी है। लेकिन दो अहम खबरें यूएस से निकल के आई हैं। पहली खबर है वहां पे टैक्स रिफॉर्म को लेकर और दूसरी वहां पे सिक्योरिटी एडवाइजर को लेकर। इन दोनों खबरें क्यों अहम है, भारत का कनेक्शन क्या है इससे, एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। संदीप बताएं, पहले तो टैक्स रिफॉर्म वाली खबर, ये सीनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है, पहले टैक्स दरें क्या थी, अब क्या हो जाएंगी, भारत का कनेक्शन क्या है इससे। देखिए, टैक्स रिफॉर्म बिल की जो बात आप कर रहे हैं वो हम लगातार बीते हफ्ते ये बातचीत करते रहे कि सेनेट में वोटिंग के लिए वो बिल आने वाला है। गुरुवार को आने वाला था, डिले हुआ, फ्राइडे को फिर से डिले हुआ और फाइनली सैटरडे को यानी कि शनिवार को जो टैक्स रिफॉर्म बिल है उसकी मंजूरी, उसको जो मंजूरी है वोटिंग के बाद वो दे दी गई है। 35% जो टैक्स दरें हैं वो यूएस में है, उसे घटाकर 20% जो कॉर्पोरेट टैक्स दर है वो घटाने की बातचीत थी इस बिल में। उस बिल को अब यूएस के मार्केट्स में या तो फिर जो सेनेट है उसकी तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट है आज डाउ फ्यूचर्स और नैसडेक फ्यूचर्स में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी यूएस के मार्केट थी वो कमजोर नोट के साथ देखने को मिली, क्योंकि खबरें दरअसल ऐसी थी कि जो वहां के फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको ट्रंप ने कहा था रशिया से बातचीत करने के लिए इलेक्शन से पहले। लेकिन ये जो खबर है उसको बाद में रिवाइज भी किया गया। एबीसी एक न्यूज एजेंसी जिसके हवाले से खबर आई थी उसमें ये भी बाद में करेक्शन करके दिया गया कि जो बातचीत करने के लिए कहा गया था रशिया के साथ माइकल फ्लिन को, वो ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद कहा था। आईएसएस को कैसे टैकल करना है सीरिया में, उसको लेके जो बातचीत है वो की गई थी। तो उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं पूरा जो मसौदा है वो ठंडा पड़ता हुआ दिखा, और यही कारण है कि आप देखिए एक तो जो टैक्स रिफॉर्म बिल को मंजूरी मिली सीनेट से और दूसरा ये जो रिपोर्ट की बातचीत है जिसमें मिली भगत की बात की जा रही है रशिया से, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, जिस वजह से आप देखिए ज्यादातर एशियन मार्केट्स आज हरे निशान के साथ कारोबार करते नजर आएंगे। यूरोपियन मार्केट इसलिए गिरे क्योंकि यूएस में शुक्रवार को जो कारोबार है वो कमजोर देखने को मिला था, शुरुआत काफी कमजोर देखने को मिली थी। ओवरऑल देखा जाए आज जो यूएस इनफैक्ट यूरोप के जो फ्यूचर मार्केट्स हैं, जो डैक्स फ्यूचर्स देखें, वहां पे भी पॉजिटिव कारोबार देखने को मिल रहा है। तो जरूर आपको अमेरिकन मार्केट्स गिरे हुए नजर आएंगे, कमजोर नजर आएंगे, लेकिन आज जो आप एशियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी देख रहे हैं वो दरअसल इसलिए है कि जो यूएस के और यूरोप के जो फ्यूचर मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और सेनेट से जो टैक्स रिफॉर्म बिल है उसको मंजूरी मिल गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आप ये कह सकते हैं कि आज जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से वो आपको बेहतर नजर आएंगे, बेहतर है, थोड़े शांत ज्यादा है। अच्छा, ओपेक की बैठक में क्या फैसला हुआ संदीप? देखिए, ओपेक की बैठक में फैसला ये हुआ कि उन्होंने जो उत्पादन कटौती है उसको बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, जैसा बाजार वाइडली एंटिसिपेट कर भी रहा था। मार्च तक की पहले डेडलाइन थी, अब उसे बढ़ाकर दिसंबर 2018 तक कर दिया गया है। शुक्रवार को क्रूड में इसका जो एक्शन है वो जरूर देखने को मिला। WTI क्रूड 0.25% के आसपास का उछाल लेकर बंद हुआ और $58 के पार के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले हैं। कोई बहुत बड़ा गेन या बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ एक रिएक्शन जरूर दिया है क्रूड ने। $58 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो अब क्रूड में देखने को मिले हैं ऊपर के फैसले के चलते। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका। तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा शांत है, जो दो अहम ट्रिगर्स थे जो मार्केट अवेट कर रहा था दोनों आए और दोनों बाजार के अंदर डाइजेस्ट हो गए। और इंडियन मार्केट का कनेक्शन आप इस तरह से समझें कि फिलहाल दोनों पे कोई मेजर असर तो नहीं पड़ रहा और ना ही पड़ने की भी आगे गुंजाइश भी दिखती है। अब जरा FIs और DIs का कामकाज देखें, दोनों की तरफ से खरीदारी हुई है। कल FIs यानी कि जब बाजार टूट रहा था, 100 पॉइंट टूटा मार्केट, उसके बावजूद भी FIs की तरफ से कुछ खरीदारी हुई है। बाजार पिछले दो दिन में यानी कि फ्राइडे और थर्सडे को करीब 250 पॉइंट निफ्टी टूट गया, लेकिन दोनों ही दिन FIs का कुछ बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं रहा, ना तो
तो बिकवाली में ना ही खरीदारी में। डीआईएस की तरफ से भी कुछ 176 करोड़ रुपए की खरीदारी हमको बनती हुई दिखी है। अब जरा मार्केट का आज का आउटलुक देख लेते हैं, आज बाजार कैसे दिख सकता है आपको, कैसे चल सकता है। आज एक तो बाजार सपाट खुल सकता है, जैसे अभी आप एसजेक्स निफ्टी देख भी रहे थे, खुलने के बाद सीमित रेंज हो जाएगी मार्केट की। यह रेंज सीमित क्या होगी, ये रेंज हो सकती है 10,100 के आसपास की, ये सपोर्ट की रेंज है। हमने तो बहुत ही आपको करेक्ट कर दिया, बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल बता रहे हैं लेवल, ये 10,080 हो सकती है। बाजार को ऊपर जाने के लिए फिर से 10,200 के ऊपर आके टिकना होगा, क्लोजिंग देनी होगी। इसलिए आज की मार्केट की रेंज में 10,220 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अपने बुरे समय में भी 25,000 को नहीं तोड़ा, अब शायद फिर से संभाल ले 25,000 को, इसके लिए सपोर्ट रेंज है। चलेगा कहां तक, जहां पहले सपोर्ट था, जहां पहले रुक जाता था बाजार, टूटता नहीं था, वहीं आके फिर से रुकेगा। ये जंक्शन की तरह काम करते हैं सारे पॉइंट, ये 25,400 बनता है। अब 10,200 और 10,300 की कॉल में आप ज्यादा ध्यान दें। अगर बाजार को 10,100 का सपोर्ट लेना है और थोड़ा पुल बैक दिखाना है, ये पुल बैक में पहले असर दिखाएगा 10,200 की कॉल में, और फिर अगर रुक गया, क्लोजिंग दे गया, तो फिर 10,300 की कॉल भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। इसलिए 200 और 300 की कॉल में ध्यान रखें। इन्फोसिस की सीईओ की खबर का असर आज सभी आईटी सेक्टर की कंपनियों पर पड़ सकता है, ये छोटी और मझोली कंपनियों पर भी होगा। ग्लोबल मार्केट और गुजरात चुनाव की खबरें का असर ज्यादा होगा मार्केट पे। गुजरात से कोई भी खबर आए या ग्लोबल मार्केट से कोई भी खबर आए, ये मार्केट को ज्यादा रिएक्शन देगी, क्योंकि इससे अलावा कोई अभी बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। एक बैठक होनी है जरूर क्रेडिट पॉलिसी को लेकर, वो भी मार्केट नोट करेगा, लेकिन वो 5 और 6 तारीख को, शुरुआत 6 तारीख को उसका फैसला आएगा। फिलहाल ग्लोबल मार्केट और गुजरात से जुड़ी हुई जो खबरें हैं ये अहम होंगी। अब जरा आज के मेहमान से जुड़ने का समय आ गया है और उनसे जानते हैं वो मार्केट को कैसे देखते हैं। अरुण मंत्री है मेरे साथ, डेरिवेटिव एनालिस्ट कार्वी ब्रोकिंग के। अरुण, हमने जो मार्केट समझी आज, शायद सपाट खुल के थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, आपकी राय सर। गुड मॉर्निंग दीपी। मॉर्निंग सर। मार्केट पे हमारा रुझान अभी भी नेगेटिव ही है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पिछले दो दिनों से काफी भारी गिरावट आ चुकी है। कोई भी उछाल भी आता है ग्लोबल मार्केट के संकेत के वजह से तो पिकवाली की भी सलाह होगी। ऊपर में 10,180 का स्टॉप लॉस होगा, जो कि आपका एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। नीचे में आपका टारगेट ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि 10,100 एक सपोर्ट है टेक्निकल चार्ट पे, 10,090 का आपका टारगेट होगा। ठीक है, जो हमने आउटलुक अभी आपके सामने रखा, ठीक उसी आउटलुक के दायरे के अंदर हमको अरुण भी ये कह रहे हैं कि ट्रेड ऐसे लिया जा सकता है, यानी कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 10,100 को अपना पड़ाव समझ लें, यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट्स बुक करने होंगे। शॉर्ट हैं तो अपना मुनाफा वसूल करना होगा। अगर यहाँ पे आ गए, शॉर्ट नहीं किया, तो इसको एक सपोर्ट रेंज समझ के वापस 10,200 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ये मार्केट का आज का लबलबाव है कि 10,100 और 10,200 ये रेंज के अंदर ट्रेड होगा, और ऊपर और नीचे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी फैसला ले सकते हैं। अरुण, आपके शेयर्स में हमें दो शेयर्स लिए हैं जो कि कॉन्ट्रा कॉल होगा मार्केट के हिसाब से। फर्स्ट शेयर होगा पिडिलाइट इंडस्ट्री, और पिडिलाइट का चार्ट देखे, ओवरऑल डेटा भी देखे, तो कल अच्छे लॉन्ग एडिशन हुए थे स्टॉक में। कोई भी गिरावट भी अगर आपको पिडिलाइट में मिलती है तो आपको बाई करने की सलाह होगी। 838 का नीचे स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 880 का टारगेट होगा। ठीक है, दूसरा शेयर सर। दूसरा स्टॉक होगा एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट है, जो कि डालमिया भारत आप करेंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में 3,050 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में 3,200 तक एक बार वापस से स्टॉक जा सकते हैं। ठीक है, एक तो डालमिया भारत पर आप ध्यान रखें, 3,200 का टारगेट है इसमें, 3,050 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। और जो दूसरा शेयर दिया गया है पिडिलाइट, पिडिलाइट एक डेरिवेटिव्स में अच्छी कॉल है, ये 850 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है। आज अगर पुलबैक मार्केट के अंदर आया तो 880 हो सकता है आसानी से पा जाए, तो एक बेहतर कॉल अरुण की तरफ से यहाँ पे वादा की मिलती हुई दिखी है। अरुण, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ के हमको ट्रेड समझाने के लिए। तो खैर, आज बाजार के दिग्गज तो हमारे साथ होंगे, क्योंकि गुजरात इलेक्शन, जैसे हमने आपको आउटलुक में भी रखा कि गुजरात के इलेक्शन और प्लस ग्लोबल मार्केट से जो भी खबरें आएंगी उसका असर जरूर पड़ेगा। 9:30 बजे से लगातार हमारी बेहतर और बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी एक बार नोट कर लीजिए। भारतीय इंफ्राटेल एक और सौदा हो सकता है जो आज आपको मुनाफा देगा, 400 रुपए तक का टारगेट होगा, इसमें 380 का स्टॉप लॉस है। आराम से कीजिए नोट, मैं आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट आराम से रख रहा हूं। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, ये बेहतर चलने वाला शेयर था, आप देखिए 5.5% ऊपर था जब बाजार कमजोर भी हुआ था, उसके बावजूद ये शेयर चला, तो जो गिरते बाजार में भी अपनी स्ट्रेंथ को, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को प्रूव कर दे, उस शेयर पर तो वैसे ही ध्यान रखना चाहिए। 720 का टारगेट है। टाटा स्टील एक बार शॉर्ट के लिए बन सकता है, अगर मेटल में पुल बैक आया, थोड़ा स्लो पुल बैक हो सकता है, इसलिए अगर एक बार आप टाटा स्टील को भी देखना चाहें शॉर्ट के हिसाब से,
पुट के हिसाब से भी तो एक बार देख सकते हैं, पुट मंदी के लिए होती है 666 रुपए का टारगेट होगा, 688 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। तो ये तीन कॉल्स हैं जो कि अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से मिली हैं, और एक बैंकिंग कॉल भी आपको बता दूं, करूर व्यासा बैंक 122 रुपए का टारगेट, 112 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये चॉइस ब्रोकिंग की कॉल्स है। तो आपको दो कॉल अरुण ने दी है, चार कॉल से आपको अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से मिली है, तो छह कॉल का आपने पूरा अपना पोर्टफोलियो इंट्राडे का पोर्टफोलियो तो बना ही लिया। अब बात इन्फोसिस की, जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस को नया सीईओ और एमडी मिल गया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि सलील पारेख नए सीईओ और एमडी होंगे। सलील 2 जनवरी से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इन्फोसिस ने अपने नए सीईओ और एमडी के नाम का ऐलान कर दिया है। सलील पारेख की जिम्मेदारी को संभालेंगे। सलील पारेख 2 जनवरी से कार्यभार संभालेंगे। उन्हें 5 साल के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। नंदन नीलेकणी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। कंपनी के अंतरिम सीईओ प्रवीण राव को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ बनाया गया है। सलील पारेख के पास आईटी इंडस्ट्री का करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है। इन्फोसिस से पहले कैपजेमिनी में ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर थे सलील पारेख। वहां से उन्होंने 2 दिसंबर को ही इस्तीफा दिया है। पारेख ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उससे पहले उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। पारेख से पहले इंफोसिस के सीईओ और एमडी थे विशाल सिक्का, लेकिन इस साल अगस्त में ही उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि सिक्का का एनआर नारायण मूर्ति समेत कुछ फाउंडर मेंबर से किसी बात पर विवाद हो गया था। अब करीब 3 महीने बाद कंपनी ने सलील पारेख के रूप में अपना नया सीईओ और एमडी चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये आपको मसला पता ही है कि नारायण मूर्ति थोड़ा नाराज थे, लेकिन सलील पारेख की इस खबर आने के बाद कि उनको सीईओ का पद दिया गया है, वो खुश हैं और ये कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, ये बेहतर हुआ। तो सलील पारेख का स्वागत करते हैं, उन्होंने कहा कि सीईओ बनने से उनको खुशी है। तो नारायण मूर्ति की खुशी भी इसी सीईओ के साथ आके जुड़ गई है। अब जरा आज के खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं। आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से? अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल बताए, आज बाजार तो शायद फ्लैट खुलेगा, फ्लैट हो सकता है थोड़ा सा उसके बाद रेंज में रहे, लेकिन जो खबरों वाले शेयर्स है ना, ये अपना असर दिखाएंगे, जरा बताएं क्या करना है। बिल्कुल डिम्पी, इन्फोसिस तो डेफिनेटली रडार पर आना चाहिए, काफी बड़ी डेवलपमेंट है और एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है कंपनी के लिए। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज पे नजर रखिएगा, आज तेजी आती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी को USFDA से EIR मिला है, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जो कंपनी को मिली है, और मियापुर प्लांट के लिए EIR मिला है कंपनी को, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम करेगा आज के लिए डॉक्टर रेड्डीज के लिए। टाटा स्टील, यहां पे भी एक पॉजिटिव ट्रिक आते हुए दिखेंगे। कंपनी ने करार किया है भुवनेश्वर पावर के साथ, बेसिकली हिस्सा खरीद के लिए करार किया गया है। टाटा स्टील भुवनेश्वर पावर के अंदर 74% हिस्सा खरीदेगी 250 करोड़ की रकम में। दूसरी और विप्रो, यहां पे बिकवाली के सौदे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। कारण यह है, कंपनी ने अनाउंस किया यूएस की कोर्ट में कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। नेशनल ग्रिड जो यूएस की कंपनी है, उसने ये मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही मुआवजा भी मांगा है $14 करोड़ का, एक अच्छे खासे मुआवजे की रकम है वो। एक जब तक ओवरऑल रिजल्ट नहीं आता है इस पूरे मुकदमे का, एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट आज के सत्र में विप्रो पे डालता हुआ दिखेगा। बायोकॉन आपके फोकस में होना चाहिए, यहाँ पे एक USFDA से मंजूरी मिली है और गिरवी के नाम की दवा है जिसको USFDA से मंजूरी मिली है, बेसिकली एक बायोसिमिलर है और कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिम्पी, क्योंकि USFDA ने पहली बायोसिमिलर है जिसको अप्रूवल दिया है। हर्सेप्टिन की बायोसिमिलर है और मेलिन और बायोकॉन ने मिलकर इस दवा को बनाया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले एक साल में हर्सेप्टिन ने सिर्फ एक दवा ने करीब $200 करोड़ का कारोबार किया, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है वहां पे, पहली बायोसिमिलर आई है, वो एक बड़ा ट्रिगर साबित होगी आज बायोकॉन के शेयर के लिए। और लास्टली टाटा मोटर्स, इनकी ऑटो सेल्स बिक्री के आंकड़े हैं नवंबर के, नवंबर में कंपनी की कुल बिक्री 58% बढ़ी है, तो वहीं जो घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री है वहां पे 72% का जंप दिखा है। M&HCV बिक्री में भी 88% का जंप दिखा है, तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स ने दिखाया है। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री 26% बढ़ी और 6.05 लाख यूनिट्स रही है। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिस पे ध्यान रखा जा सकता है। तो आज इन शेयर्स के साथ आप थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, मार्केट शायद एक अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा।
अब आपको बात एक बजट की भी बता देते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। जीएसटी के बाद यह पहला बजट होगा। सूत्रों के मुताबिक 30 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सदन के संयुक्त सत्र को भाषण के साथ संबोधन करेंगे। उसके साथ इस सत्र की शुरुआत मानी जाएगी। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा सकता है। एनडीए सरकार का अगले चुनाव से पहले ये अंतिम पूर्ण बजट होगा। क्या 6 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी, उस पर विशेष कवरेज आप हमारे देख पाएंगे। कई सवाल होंगे लेकिन उन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस की स्क्रीन पर ही होंगे। लेकिन आज का दिन कमोडिटीज मार्केट के लिए कैसे रह सकता है, ये बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुणाल शाह जुड़ चुके हैं, जो कि निर्मल बैंक सिक्योरिटीज में कमोडिटीज को हेड करते हैं। कुणाल, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज कहाँ पे ट्रेड करेंगे और कैसे करेंगे, जरा दोनों बताएं। नेशनल गैस बाइंग करना चाहिए 199 पे 206 के टारगेट के लिए। कूल वेदर रहने के कारण नेचुरल गैस बढ़ेगा यूएस में। और कॉपर में बाइंग करनी चाहिए 444 के लेवल पे 450 के टारगेट के लिए। तो नेचुरल गैस का टारगेट आज 201 का रखे कुणाल, 201 और पहला दूसरा 206, ये दो टारगेट आपके सामने है। 195 का एक स्टॉप लॉस है, 201 एंड 206। अच्छा, कॉपर पे का टारगेट रखा जा सकता है, कॉपर में 450 का टारगेट रखना चाहिए और 440 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, 440 का स्टॉप है और 450 का टारगेट है। शुक्रिया कुणाल ये दोनों ट्रेड्स हमको आज देने के लिए। एक तो नेचुरल गैस, और वैसे भी नेचुरल गैस पे एनजी पे तो कुणाल का काफी अच्छा एक्सपर्टी भी है, तो इस कॉल पे जरूर ध्यान रखें। 201 206 का टारगेट और आपको कॉपर भी रखना है 450 के टारगेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब एक शेल कंपनियों की खबर आपके सामने रखते हैं। शेल कंपनियों पर एसएफआई का शिकंजा कसता जा रहा है। नोटबंदी के बाद 18 कंपनियां एसएफआई की जांच के घेरे में हैं। इन 18 कंपनियों पर संदिग्ध लेन देन का शक है। अब एसएफआई इन कंपनियों के संदिग्ध खातों की जांच कर रही है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2,00,000 से ज्यादा कंपनियों पर शक किया है। खबरें ऐसी हैं कि 50,000 निष्क्रिय खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और नोटबंदी के दौरान थे ये 17,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इन 50,000 खातों में 35,000 खाते अब तक बंद किए जा चुके हैं, 15,000 खाते अभी भी बाकी हैं। वहीं वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि देश में कारोबार का माहौल बिल्कुल सही है और आने वाले समय में प्राइवेट निवेश और बढ़ेगा। जी बिजनेस के साथ एक खास बातचीत में अनिल अग्रवाल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरने का फायदा जरूर मिलेगा। आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं, आपसे ये जानना चाहें कि क्या आपको लगता है कि अब जीएसटी का इम्पैक्ट और बाकी जो इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया था वो खत्म हो गया और आने वाले 2 क्वार्टर में हम जीडीपी के नंबर और अच्छे आएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जिस राह पे चल रहे हैं डेमोक्रेटिक राह है ये। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, 3 साल हुए हैं, इतनी कड़ी मेहनतों के बाद में हमारी रैंक जो है 130 थी वो 100 पे आ गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीडीपी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो इन सब बातों से देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं है। जहां इस हिंदुस्तान में जहां 21-22% दुनिया की आबादी रहती है, इसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता है। तो इस कंट्री को आगे बढ़ना, ये कंट्री आगे बढ़े, इसमें मेरे को कोई इसमें दो राय नहीं लगती है। बिल्कुल, रिसेंटली सर मूडीज ने अपग्रेड किया इंडिया की रेटिंग्स को, S&P ने भी डाउनग्रेड नहीं किया, एट स्टेबल रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ कंसर्न जताई है फिस्कल डेफिसिट को लेकर। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हालांकि कल भी सरकार ने यह कहा कि बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, क्या कारण उसके हैं और कब तक आपको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा? देखिए एक चीज आप समझिए, हम लोगों को माइंड हमारा क्लियर होना चाहिए। ये हमारा जो देश है, देश ये दिस इज द कंट्री फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिए दो तरह के देश हैं पूरी दुनिया में, एक है जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलते हैं, एक सोशलिस्ट पैटर्न से चलते हैं। आपका चाइना है, रशिया है, ये जो कंट्रीज हैं ये इनमें गवर्नमेंट की कंपनियां जो हैं वो देश को आगे बढ़ाती हैं, वो आगे चलाती हैं। कंट्रीज लाइक यूरोप में है, अमेरिका है, इन कंट्रियों में प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ती हैं, और हमारा जो देश है वो मूलधर ये एंटरप्रेन्योर का की जगह है, जहां दिया जा रहा है, पॉलिसी सिंपल रखी जा रही है,
देश में 5-5, 10-10 गुना प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर अग्रवाल ये बताते हो कि ईज ऑफ डूइंग का उनको जरूर फायदा मिलेगा, जो कि भारत की रेटिंग इंप्रूव हुई है। अब ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, तो इन्फोसिस आज तो खैर फोकस में रहने वाला है, ब्रोकर्स की भी नजर में है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत जुड़ चुके हैं, इन्फोसिस पे क्या रिपोर्ट है रजत? बिल्कुल, एक एक मान लीजिए एक स्टेटमेंट है सीएलएसए की इन्फोसिस पे, और ये जो नए एमडी और सीईओ सलील पारिक साहब को बनाया गया है उसका एक बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्फोसिस पे, हो सकता है कि वो नलीफाई होता हुआ नजर आए, दिक्कतों का दौर खत्म हो। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि वो एक रिवाइवल जो है इन्फोसिस का, जिसका मच अवेट कर रहे हैं यहाँ पर जानकार सलील जी के कार्यकाल में, वो होता हुआ नजर आए। पॉजिटिव रिपोर्ट है, और इन्फोसिस पे अभी मैं बाकी की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, उनका भी कहना है कि हो सकता है कि आज एक तगड़ी चाल इन्फोसिस बनती हुई नजर आए। अब देखना होगा किस तरीके की ओपनिंग यहाँ पर स्टॉक की होती है, लेकिन ब्रोकर्स एकदम से पॉजिटिव होते हुए नजर आए, और सीएलएसए की भी रडार पर अब इन्फोसिस पहुंचता हुआ नजर आए। सीएलएसए की रडार पर भी आ चुका है, ये शेयर चला तो इंडेक्स को भी मैनेज करने का काम करेगा। डीएलएफ पे क्या रिपोर्ट है? अच्छा, डीएलएफ बहुत इंटरेस्टिंग है डीएमपी, हाल फिलहाल की दिक्कतें जो खत्म होती हुई नजर आई है। एडलवाइस का मानना है कि खरीदारी की जा सकती है इस स्टॉक पे, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो है 273, मौजूदा भाव है 225, स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है कंपनी, एक तो वो पॉजिटिव, और दूसरा यहां पर जो हाउसिंग फॉर ऑल थ्रस्ट है सरकार का, उसका क्लियर कट बेनिफिट ये कंपनी उठाएगी। अच्छा, अच्छी तेजी बन सकती है, पोजिशनली 273 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस मार्केट में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को चुन के एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने का काम करें। हाँ, ये एक रिपोर्ट है आईडीएफसी की, और इंडिया स्ट्रेटजी मान लीजिए उन्होंने कंसीडर किया है कि किस किस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, निफ्टी पे वो मान रहे हैं कि लगभग 15% की बढ़त संभव है FY19 तक, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल है, कोई भी डिप आ गई तो यूज किया जाएगा खरीदारी करने के लिए, ये अच्छी कमेंट्री है। एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबार में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, कुछ पॉकेट्स जिसमें इंजीनियरिंग शामिल है, कैपिटल गुड्स शामिल है, यहां पर वो ओवरवेट हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े जो शेयर्स हैं वहां पर खरीदारी की राय है, ओवरवेट हैं। मेटल माइनिंग, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर पैसा लगाया जा सकता है, इन तमाम सेक्टर्स पे ओवरवेट रेटिंग है आईडीएफसी की। ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड जैसे सेक्टर्स पे भी ओवरवेट नजरिया है। एक सेक्टर, एक पॉकेट फिर से कंसिडर करने को कहा गया, वो है मीडिया, और जस्ट गुजरात इलेक्शन से पहले हो सकता है इस सेक्टर पे बस बनती हुई नजर आए, एक अच्छा एक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक्शन हो सकता है, उसमें जी की दोनों बड़ी कंपनियां आगे आप बढ़कर कामकाज कर रही है, और उन पर मार्केट काफी निवेशक इसकी तरफ झुक भी रहे हैं। शुक्रिया ये सभी कंपनीज बताने के लिए।